नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हमारी आईसी है, इससे हमें ये टर या रिले, ये रिले हैं, कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी एक आईसी है, हम इससे 5 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट तो ड्रॉ नहीं कर सकते और हाई वोल्टेज, तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, आईसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ट्रांजिस्टर है जो हमारा, या इसको मॉस्फेट समझ लीजिए, रिले समझ लीजिए, ये पड़ी हुई है, तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं आपको आज ये पेपर पर समझाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आईसी हो, 555 है, 741 है, 4047, कुछ भी इस तरह की आईसी हैं जो हमारी इनको ड्राइव करती हैं, कंट्रोल करती हैं, आप लगाकर इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पर ऑपरेट करना है, बाकी 25, 30 वोल्ट, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे सोर्स हैं। तो अब मैं आपको पेपर पर समझा दूं हम कैसे कंट्रोल करते हैं रिले और ट्रांजिस्टर मॉस्फेट को इस छोटी सी आईसी से। आईसी हो गई, और ये मान लीजिए ये हमारी, देखो ये आईसी है, इस आईसी में दो तीन इनपुट हो सकते हैं और इसमें से दो आउटपुट हो सकते हैं, तीन चार आउट इनपुट हो सकते हैं। तो ये हमारी एक आईसी ये हो गई, और एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये और ये हमारी ये सप्लाई। ये हमारी एक 8 पिन की आईसी है, या 14 पिन की है, 16 पिन की है। तो ये मेरी हो गई आउटपुट। आउटपुट इस रिले पर लगा देते हैं, रिले की क्वाइल पर लगा देते हैं, तो तब ये आईसी हम मेरा काम करती है और रिले हमारी ऑन ऑफ करती है। ये हम इसको एनसी बोलते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन और ये हो गया हमारा एनो, इस टाइप से ये हो गया। तो हम इसको यहां क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब में हमारे दो होते हैं, ये दो छोर हैं, तो एक हमारा ग्राउंड में चल जाएगा, या इसको न्यूट्रल, न्यूट्रल में चला जाएगा, और एक हम इसको एनओ के इस पे यहां जोड़ देंगे। ये मेरा पॉजिटिव और ये भी मेरा पॉजिटिव है कॉमन ये वाला। तो दोस्तों ये देखिए, यहां हमने इसको लगाया, इसको क्वाइल को हमने इसकी आउटपुट दे दी, ये यहां इसकी आउटपुट गई और ये मेरा ग्राउंड है डीसी पावर सप्लाई का, 5 वोल्ट डीसी का। तो जैसे ही यहां वोल्टेज आएंगी 5 वोल्ट, ये हमारा होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से हम रिले से ज्यादा करंट, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, 5 वोल्ट से हमने पूरी पूरी रिले को चला दी, पूरी वोल्टेज कंट्रोल कर ली, पूरा करंट कंट्रोल कर लिया। तो आप भी इस तरीके से ज्यादा करंट, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं। 5 वोल्ट आईसी से आप बड़ी बड़ी रिले, बड़े बड़े मॉस्फेट, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर चला सकते हैं, वोल्टेज और करंट कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आगे का ट्रांजिस्टर का सर्किट दिखा देता हूं। कोई भी पिन आउटपुट होगी, ऐसे हम इसको, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये मेरा बेस कलेक्टर और ये मेरा एमिटर। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, और ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड में गया और यहां से हम इसको कंट्रोल करते हैं, ये हो गया हमारा लोड, और यहां हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं इस पे यहां, ये तो मेरा कॉमन हो गया, ये इसको हम पॉजिटिव सप्लाई इसमें हम दे देते हैं, 25 वोल्ट से 50 वोल्ट तक कुछ भी दे सकते हैं, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट दे सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।